नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीओडी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ा सुबह सुबह BHU लंका गेट आना था, तो मुझे लगा कि थोड़ा आप लोग को परिचय कराना चाहिए इस सुबह के शानदार मौसम से, चूँकि पहली बारिश BHU में कल रात हो चुकी है और अभी सुबह का मुझे लग रहा है 7 बज रहा होगा, 7 से कम ही हो रहा होगा। और अभी चहल पहल है गाँव में, तो शायद इससे पहले भी हो जाता होगा। शहरों में जनरली जो लोग बाहर काम करने जाते हैं वो लोग अपना निकल जाते हैं। वैसे छात्र तो नहीं दिखेंगे अभी, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा घूमना चाहिए। बड़ा दिन बाद ऐसा मौका मिला मुझे। जनरली इस गेट से तो हज़ारों बार आना जाना हुआ होगा, लेकिन इस तरीके से मूड नहीं बना कि चलो अच्छा घुमा देता। पीछे जो है वो स्टैचू है आपका, क्या बोलते हैं, मालवीय जी का, ठीक है, वो पीछे। तो आप लोग प्लीज़ एक बार प्रणाम कर लीजिएगा। और अभी हम लोग गेट के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये है एक्चुअली। सो फाइनली इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपने बहुत सारा ऐसे शॉर्ट वीडियोस देखा होगा, लाइक टूर देखा होगा, ब्लॉगिंग देखा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल होगा, चूँकि मैं आपको चीज़ें इंट्रोड्यूस भी कराऊँगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिंह द्वार, जो कि मुख्य द्वार है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, ठीक है। और यहाँ से एक रास्ता देखो ऐसे टर्न हो रहा है, ये अंदर ही अंदर ट्रामा सेंटर जाता है। ट्रामा सेंटर मतलब जहाँ पे बड़ा कोई इंजरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए। BHU के दोनों साइड हॉस्पिटल है, एक साइड सुंदरला हॉस्पिटल है, एक साइड ट्रामा सेंटर है, जो कि BHU के अंतर्गत ही आता है। ये इसका मुख्य द्वार है, ठीक है। ये तो मतलब कितने सारे लोग एज अ ड्रीम यूनिवर्सिटी अपने गेट पर लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगा दी है और मुझे लगा कि आज पैदल घूमना चाहिए, ठीक है। और जब मैं चल रहा हूँ तो ध्यान देना कि मेरे पैरेलल ही यहाँ पे एक गर्ल्स स्पेशल इंटीग्रेटेड कॉलेज भी है, जो कि मेरे पैरेलल ही चल रहा है इस बाउंड्री के साइड में। मैं आपको आगे से रास्ता दिखाऊंगा, और वो है MMB यानी महिला महाविद्यालय। बड़ा देखो BHU में लोग आते हैं और जनरली निकल जाते हैं, चूँकि पब्लिक रोड भी है। मतलब BHU के अंदर से बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो कि अलग अलग प्लेसेस को जोड़ती हैं, तो इसीलिए बाकी कैंपस की तरह, बाकी विश्वविद्यालयों की तरह पैक्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। लाइक यहाँ के जो रूट्स हैं, यहाँ के जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिक लोगों के लिए भी हैं कि हाँ भाई वो पब्लिक डोमेन का भी हो सकता है, आप इसको यूज कर सकते हो। वो जो मेरे साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर, वो आपका है सुंदरला हॉस्पिटल का पार्ट है, ठीक है। मतलब मोदी गवर्नमेंट कभी कभी आती रहती है, तो बेड्स बढ़ा दिया उन्होंने, ये बढ़ा दिया ट्रीटमेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली वो है। और अभी का जो मौसम है वो बेसिकली मुझे लग रहा है आज इतने दिनों बाद जो एक तरह से टेम्परेचर है वो डाउन हुआ है, और पहले बहुत ज़्यादा था, लगभग 40-42 डिग्री। और अभी मुझे लग रहा है कि आज सुबह का जो मौसम है वो है अबाउट मुझे लग रहा है 30 के आसपास होगा, या उससे भी कम ही होगा। अभी बहुत कूल मौसम है, बहुत कूल मौसम है। अब देखो, अब स्टार्ट होता है एक तरह से BHU का इंट्रोडक्शन। आप सभी को पता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो सबसे बड़ा, ध्यान देना, सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कॉलेज है। ये जो मेरी पैरेलल गाड़ी चल रही है ये प्रोक्टोरियल बोर्ड की गाड़ी है, मतलब यहाँ के जो सुरक्षा विभाग वाले लोग होते हैं, ठीक है, ये वाली गाड़ी जो बेसिकली ये लोग रन करते रहते हैं कि BHU में कुछ हो तो जल्दी से पहुँच जाएं। बेसिकली ऐसी गाड़ियाँ बहुत सारी यहाँ पर रन करती हैं, पूरी रात रन करती हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि BHU जो है वो एशिया लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अभी तक का। आगे हो सकता है कोई और भी बन जाए। और NIF रैंकिंग जो है यहाँ की वो अप डाउन होती रहती है, 6th था, फिर 5th हुआ, फिर 3rd हुआ, फिर 5th हो गया। अभी करंट में देखा जाए तो इसमें हम लोग के BHU के NIF रैंकिंग मतलब होता है कि पूरे देश में हम लोग टॉप 5 में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ की एक लाइब्रेरी है जहाँ आज मैं आपको ले चलूँगा, वो हम लोग का फर्स्ट रैंक पर चल रहा है, इंडिया में फर्स्ट रैंक पर चल रहा है, अपने आप में बड़ी बात है। जनरली ये रूट जो है ये मुख्य रूट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्रैफिकिंग और आना जाना बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग का ड्रीम है, ये एज अ ड्रीम है। इस विश्वविद्यालय के अंदर भी एक विश्वविद्यालय है, वो ये है, ठीक है, ये महिला महाविद्यालय MMB जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। और
बेसिकली लगभग जो BHU के अंदर कोर्सेज चलाए जाते हैं वो उसके अंदर भी चलाए जाते हैं। महिला महाविद्यालय में मास्टर्स भी है, UG भी है, रिसर्च भी है, सब कुछ वही BHU वाला वहाँ पे भी है, और लगभग पूरी फैसिलिटीज़ जो हम लोग जनरली एज अ UG कैंडिडेट FMC में यूज कर पाते हैं, मतलब हम लोग को मिलता है, वो MMB की लड़कियों को भी मिलता है। महिला महाविद्यालय एक तरह से मतलब समझ लो कि बहुत फेमस कॉलेज है भाई, मतलब बहुत चर्चे हैं इस कॉलेज के, ठीक है। और ये है आपका सबसे पहला चौराहा, ठीक है, महिला महाविद्यालय के पास सबसे पहला चौराहा जो कि आपका एकदम सीधे इस रूट से आता है। बेसिकली ध्यान देना इस रूट पर, देखो एक रास्ता सीधे चला गया, ठीक है, मैं इस रास्ते से आया हूँ अभी, ये रास्ता सीधे चला गया और मैं सीधे जा रहा हूँ। एक्चुअली ये हॉस्टल सा रूट है, ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सेल्फी पॉइंट है और वो ये है सरस्वती माता का मंदिर। और इस चौराहा को जनरली एक यहाँ पर जो एज मजाक के तौर पर थोड़ा बोला जाता है वो PMC बोला जाता है। आप शॉर्ट फॉर्म ढूंढना, कहीं ना कहीं किसी ब्लॉग में मिल जाएगा। ये है आपका हॉस्पिटल, ठीक है, सुंदर हॉस्पिटल, जो कि रूट देखो जा रहा है, देखो वो जा रहा है ये रास्ता, मतलब जिसको भी ट्रीटमेंट कराना है वो उसमें जाकर करा सकते हैं। BHU बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और ये हॉस्पिटल के बगल में ही यहाँ पे IMS भी है, मतलब जो मेडिकल की क्लासेस होती हैं जनरली वो यहाँ पे होती हैं। और जो लोग, लेकिन यहाँ का एडमिशन BHU के थ्रू नहीं है या CUT के थ्रू नहीं है, मतलब इस मेडिकल कॉलेज का, इस मेडिकल कॉलेज का जो आपका एडमिशन है वो नीट के थ्रू है, ठीक है, यानी जो नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट UG का, आप वो एग्ज़ाम देके बेसिकली इसमें एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि BHU में IIT भी है, IIT BHU, IIMS BHU और BHU, ये तीन हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब BHU एक ऐसा हॉस्पिटल भी है इनका, मतलब इसीलिए तो इतना फेमस है ना, चूँकि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। आप कैंपस के अंदर आते हो मतलब आपको पूरा यहाँ एक दुनिया मिलती है, एक पूरा यूनिवर्स है यहाँ पे, ठीक है। यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा फेमस है। और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लाइक नेचुरल जो इसका बनावट है वो सबसे ज़्यादा इसको फेमस बनाता है। जैसे पेड़ पौधे देखोगे बहुत बढ़िया है, हरियाली है, इन्वायरमेंट, बाहर अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है तो अंदर 35 ही मिलेगा गर्मियों में। बारिश, मुझे लगता है सर में सबसे पहले BHU के अंदर ही बारिश हो जाती है थोड़ी सी रिमझिम वाली, तो वो है। ये जो पहला बिल्डिंग आपको दिख रहा है मेरे पैरेलल, ये है आयुर्वेदा का, जैसे कि जिस किसी को भी ट्रीटमेंट एलोपैथ में नहीं कराना है, ठीक है, मान लो उनको आयुर्वेद से अपना ट्रीटमेंट कराना है तो वो उस वाले में जाके अपना नंबर लगा के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, नहीं तो ऐसे तो बहुत स्लो हो जाएगा। बेसिकली ये लुक कैसा लग रहा है आप ये बताओ, ठीक है। मुझे फाइनली बिरला तक जाना है तो मैं आपको बिरला तक घुमाने वाला हूँ, ठीक है, चूँकि मैं बिरला जाऊँगा, फिर मैं बिरला से आऊँगा, फिर मैं यहाँ से जाऊँगा। सो फाइनली अब आप ये मत समझना कि मैं रेगुलर का यहाँ पे इस रूट का एक तरह से वॉकर हूँ, ठीक है, मतलब मैं वॉक करने कभी कभी मूड हो गया तो मैं वॉक कर लिया। बेसिकली एक YouTube लाइफ स्टाइल में यार चीज़ें बहुत बेकार हो जाती हैं, मतलब लेट नाइट तक आप वीडियोज़ बनाओ, फिर डेटा एनालिसिस करो, फिर अपनी खुद की स्टडी है, खासकर BHU का ही हूँ तो BHU मेरे सेमेस्टर से एग्ज़ाम कभी आ जाते हैं, कभी पहले पढ़ना पड़ता है, बीच में और एग्ज़ाम, अभी 2 डेज बाद मेरा फिर से एग्ज़ाम है, ठीक है। ये IMS का एक बिहाइंड द गेट है, ठीक है, ये गेट जो है एक तरह से दूसरा गेट है बाहर निकालने के लिए। और बेसिकली ये जो रूट पे मैं चल रहा हूँ ना, जैसे मैंने एंट्री लिया, तो ऐसे रूट्स पूरे हर ब्लॉक वाइज मिलेगा, मतलब ये हॉस्टल का रूट है जिस रूट पे मैं जा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे इस रूट पे आपको हॉस्टल्स मिलेंगे, इस रूट पे ही आपका मालवीय भवन मिलेगा, इट मीन्स कि जो इसके संस्थापक हैं हमारे भारत रत्न पंडित मदनमोहन मालवीय जी, तो मालवीय जी का आवास भी इसी पे है, वो यहीं रहा करते थे। इसी पे प्रॉक्टरियल बोर्ड की आपके ऑफिस मिलेंगे, यानी कि जो BHU को पूरा प्रोटेक्ट करता है उनका ऑफिस भी आपको इसी पे मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद इसी पे आपका BHU का 2-star गेस्ट हाउस मिलेगा, ठीक है, मतलब LD गेस्ट हाउस मिलेगा। इसी पे SBI मिलेगा, SBI का ATM मिलेगा। इसी पे पहले पेट्रोल पंप हुआ करता था, वो भी बेसिकली इस वाले रूट के अंदर जाओगे तो ये देखो IMS का ही रास्ता है, मतलब ये पूरा हॉस्पिटल वाला है, ये कॉर्नर पूरा हॉस्पिटल है, सुंदरलाल हॉस्पिटल का पूरा ये कॉर्नर पोजीशन है, मतलब कि BHU के जो बच्चे भी ट्रीट, देखो BHU का जो हेल्थ का एक तरह से ऑफर है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आप एडमिशन लेते हो तो लगभग कहा जाता है 50-60 हम लोग फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है, जिसमें उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन वो पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग का ट्रीटमेंट के लिए पहले तो एक पब्लिक डोमेन से अलग स्पेशल हेल्थ सेंटर है, अगर हम लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट वहाँ नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद आपको रिकमेंड किया जाता है, मिस ट्रांसफ़र किया जाता है कि आप IIMS में जाके कराओ। और बेसिकली हम लोग की टाइमिंग बनी हुई तो उस टाइम पर हम फ्री में करा सकते हैं। अभी गेट खुला तो अच्छा, हम मालवीय भवन घुमा देते हैं, चूँकि मालवीय भवन तो भाई पहला प्लेस है, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये है मालवीय भवन,
आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मालवीय भवन, ये मालवीय स्मृति भवन के नाम से लिखा भी रहता है यहाँ पे, ठीक है, ये रहता है बेसिकली मालवीय जी यहाँ पे रहा करते थे। और आपको बता दूँ कि योगा डे पे जो अभी हाल ही में VC साहब ने अपना योगा वगैरह किया था वो इसी बगल ग्राउंड में किया था, और यहाँ पे एक साल में एक बार फूल प्रदर्शनी लगती है जो कि बहुत बड़ा फेमस फूल प्रदर्शनी होता है, ठीक है, जिस बेसिकली उसमें फ्लोरा फौना सब इंक्लूड किया जाता है, फूल भी रहते हैं, वनस्पति भी रहती है, बहुत बढ़िया स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। और ये पूरा मालवीय स्मृति भवन का ये भवन है जहाँ पे हमेशा ऑल टाइम 2 मीटिंग्स में योगा होता है। आपने सुना होगा योगा डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, एक कुछ 6 महीने कुछ 9 महीने का ऐसा कुछ कोर्स है, तो वो यहाँ पे होता है, ठीक है। उसका जो एंट्रेंस प्रोसेस है, आप योगा BHU नीट सर डालो, आपको कोई भी सब्जेक्ट वीडियो चाहिए होता है ना, बेसिकली उस सब्जेक्ट्स को डालो और नीट सर डालो, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने हर एक वीडियोज़ को कवर किया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप जब एडमिशन हो जाए तो घूमना जरूर है यहाँ पे आके। उसके बाद BHU के आम इसमें चर्चे में है मैं अभी देखा झूला भर भर के लोग आम ले जा रहे हैं, और ठीक है मैं एक बार रोड क्रॉस कर दूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अरे तो जबकि लिखा रहता है मतलब आपको एक स्पीड मेंटेन करके चलना है 30, लेकिन आप उस उड़ के जाना है। बेसिकली क्या है ना कि देखो पब्लिक रूट है तो यहाँ पे उड़ने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, और प्रशासन जो है थोड़ा सा CCTV कैमराज नहीं है और इन सब चीज़ों को लेके बहुत लिबरल है, तो वो लोग आके फ़ोटो शूट कराएंगे और बहुत सारे मतलब एक तरह से देखो विश्वविद्यालय छात्रों के लिए पहले होना चाहिए फिर पब्लिक डोमेन के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुबह शाम पूरा पब्लिक डोमेन ही, जैसे बच्चों की छुट्टी चल रही है तो सबसे ज़्यादा इंजॉय कौन करता है, वही लोग आके करते हैं, लेकिन ठीक है वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है अब हम लोग पहुँचने वाले हैं BHU के उस भवन में, ठीक है, जहाँ से सभी जो अपॉइंटमेंट होते हैं मतलब समझ लो सलेक्शन लाइक कि ग्रुप ए का ग्रुप डी का बी का जो भी होता होगा लगभग यहाँ से ही अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं होलकर भवन। आपने बहुत कम सुना होगा क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि लोग उस पर ज़रूरत नहीं पड़ा कभी वीडियो बनाने का, वो हम लोग का मुद्दा भी नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये है होलकर भवन, ठीक है, जहाँ से हम लोग का अपॉइंटमेंट होता है। और ये उसी के सामने ये है VC आवास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ही VC साहब रहते हैं, और इसी आवास के पीछे है जो है प्रोक्रियल बोर्ड है, जहाँ से बेसिकली बोलते हैं कि प्रोक्रियल बोर्ड समझते हो मतलब जो प्रोटेक्ट करता है, जो यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है एज अ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो वो वहाँ पे है उसके पीछे। और वो वहाँ आप जब जैसे लोगों को धरना करना हुआ तो लोग कहाँ धरना करते हैं, जनरली लोग आके यहीं पर धरना करते हैं, ठीक है, धरना करना हुआ तो यहीं पर आके धरना करते हैं कि हमारी बात को जल्दी सुना जाए और जल्दी से लोगों को हमारी बात को पूरी किया जाए, ठीक है। उसके बाद देखो अब आता है 2-स्टार यहाँ का जो एक होटल है, मैं इसको भी अंदर से ले आके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो जो यूट्यूब पे था वो यहीं का था, ठीक है, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मैं एज ए UG स्टूडेंट स्टार्ट किया था, 2nd सेमेस्टर मैंने शुरू किया था चैनल, ठीक है। ये SBI का एक लौता यहाँ पे स्टेडियम है जो गेट के पास पड़ेगा, इसके बाद भी है यहाँ पे ATM लेकिन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली ये प्रॉपर वे में चलता रहता है, रनअप इसका अच्छा है। अच्छा LD गेस्ट हाउस देखो वो है, ठीक है, ये जिसको बोलते हैं लक्ष्मण दास गेस्ट हाउस, उसके पीछे व्हाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है उसी का हिस्सा है, मतलब पहले उन्होंने ट्रेडिशनल बनाया बाद में उसको मॉडर्न करके बनाया, ठीक है। प्रणाम सर, कैसे हैं सर, एक मिनट सर, और मेरे एक्चुअली XHOD मिल गए, ठीक है, मेरे डिपार्टमेंट के, तो चर्चा होने लगा। बेसिकली मुझे लगा कि एक बार उनसे बोलना चाहिए कि सर कुछ मैसेज बच्चों के लिए, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम नॉलेजेबल पर्सन, समझ रहे हो ना, बहुत नॉलेजेबल। अच्छा अब मैं BHU का आपको ओपन जिम दिखाने वाला हूँ, ओपन जिम मतलब कि जहाँ पे, ठीक है, देखो ये आपका ये BHU का वो चौराहा है जो उधर देखो जाता है पीछे गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, जो BHU का गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ जाता है, और वो चला जाएगा बिरला, ठीक है, मैं एक्चुअली बिरला जाऊँगा लेकिन मैं आगे से टर्न हो गया फिर राइट लेके जाऊँगा। और ये देखो BHU का ओपन जिम है, ये मेरे पैरल दिख रहा है, लगभग हर एक जॉगिंग का पूरा बना हुआ है, बढ़िया है ओपन जिम, मतलब ऐसा नहीं कोई पेमेंट वगैरह देना है, फ्री आप कॉस्ट अपना रात में दिन में खा के बिना खाए खाली पेट जब मन करे आके थोड़ा और हाथ पर मार सकते हो, फिटनेस बना सकते हो। ये है ओपन जिम का, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं उसीलिए क्योंकि लोग अपना आके ओपन जिम का, और ये कैंपस में एक ही जगह नहीं है, बेसिकली हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पहले से बहुत सारे अवेलेबल है, ये अभी हमारे यहाँ हाल ही में लगा हुआ है, और मुझे लग रहा है कि लगभग मान के चलो कि 7-8 जगह लगा होगा, मतलब लगभग 3 हॉस्टल के बीच में एक, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल साइड स्पेशली, फिर ये मतलब कैंपस भर में लोकेशन चूज करके उन लोगों ने अपना लगा दिया है, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंटरनेशनल हॉस्टल्स। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगा कि अतिथि देव भव सच में हमारे देश में किस तरीके से लागू होता है। बेसिकली जब एज अ इंटरनेशनल एडमिशन होते हैं, मतलब कजाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, या बांग्लादेश से, या किसी भी आप कहीं से भी आते हो देश के किसी भी कोने से, अगर हमारे यहाँ एडमिशन लेते हो मीन्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एज ए स्कॉलरशिप पेमेंट भी दिया जाता है मंथ का, सोचो एज ए पॉकेट मनी, ध्यान देना। और उनके लिए जो हॉस्टल है ना, क्या गजब का बना हुआ है, एकदम खतरनाक, मतलब इतना बढ़िया हॉस्टल BHU में बाकी कॉमन स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो कि इंटरनेशनल हॉस्टल बच्चों के लिए दिया जाता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा उसका एक झलक दिखा देता हूँ। अभी ड्यूटी एक्सचेंज का टाइम हो रहा है, मतलब प्रॉक्टिकल बोर्ड की टीम जो रात में ड्यूटी की है वो चेंज हो रही है, सुबह वाले ड्यूटी वाले लोग आ रहे हैं। ये देखो है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा चल के दिखा देता हूँ, क्योंकि वैसे मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम जब कट ऑफ के वीडियोज़ बनाए थे तब मैं यहाँ पे एक दो वीडियो बनाया था, क्योंकि बगल में ओपन जिम था, मैं भी जिम करने आता था। ओपन जिम को जिम के तरीके से मतलब ओपन फिटनेस बोलो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है, मैं बोला था ना कि बहुत ज़्यादा VIP बना हुआ है, बहुत ज़्यादा। और इनके लिए पूरा देखो गार्डन है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो इतना बढ़िया गार्डन होगा, ठीक है, पूरा बहुत बढ़िया। तो ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करूँ, क्योंकि मुझे 8 फैकल्टी तक आपको ले जाना है, फिर हॉस्टल ले जाना है, ठीक है। बेसिकली ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको मैं दिखाऊँगा यहाँ का एक और गेस्ट हाउस, फिर मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ का, अच्छा मैं आपको लॉ फैकल्टी भी दिखाता हूँ, लगभग आपको हर एक डिपार्टमेंट फैकल्टी में दिखा देता हूँ। वीडियो भले लंबा हो रहा है लेकिन आपका नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आने वाला है, एक एक पॉइंट्स। तो मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ। देखो बगल में जो ये है, ये ग्राउंड है रुइया, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग अभी यहाँ से घूमे हैं तो वहाँ पे एक मेडिकल का हॉस्टल है, रुइया हॉस्टल, जो कि मेडिकल के बच्चों बॉयज़ को दिया जाता है, ठीक है, ध्यान देना, बॉयज़ को दिया जाता है। तो हर हॉस्टल के सामने यहाँ पे क्या होता है, हर हॉस्टल के सामने एक यहाँ पे होता है आपका प्लेग्राउंड, ठीक है। तो ये है प्लेग्राउंड, यहाँ से शॉर्टकट भी अंदर चले जाते हैं। अब इस प्लेग्राउंड के बगल में साइड में फिर क्या आएगा, फिर आएगा बिरला ग्राउंड, ठीक है, फिर बिरला ए का, बिरला बी का, बिरला सी का, सबका अपना अपना ग्राउंड बना हुआ है। फिर उसके बाद ब्रोचा का, मतलब साइंस वालों का, क्योंकि बिरला जो है बेसिकली आर्ट्स वालों का है, ठीक है। देखो पहले जो इंटरनेशनल हॉस्टल था वो इस तरीके से बना हुआ था, पहले छोटा सा था, जो ट्रेडिशनल हमेशा से फॉलोअप हुआ है, जैसा हम लोग रहते हैं वैसा ही लोग रहते थे, लेकिन फिर बाद में फंडिंग वंडिंग मिला होगा तो इन लोगों ने बड़ी सी बिल्डिंग बना दी। बेसिकली मुझे लग रहा है कि BHU का इसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग इंटरनेशनल हॉस्टल का ही है, ठीक है। और उसके बाद अब एक आने वाला है, देखो अब आने वाला है स्टूडेंट वेलफेयर का एक ऑफिस है, मतलब बेसिकली डीन ऑफ स्टूडेंट इसको प्लेस को बोलते हैं। आपका जब कोई स्कॉलरशिप का काम होता है बेसिकली वो यहाँ से ही होता है, मतलब जो यूनिवर्सिटी फंड करती है स्कॉलरशिप को वो इस बिल्डिंग से होता है, यहाँ पे इसके पीछे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह टहल के आकर अपना रेस्ट कर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है विश्वविद्यालय अतिथि गृह, ठीक है, गेस्ट हाउस है ये विश्वविद्यालय का। और ऐसे गेस्ट हाउस आपको बहुत मिल जाएंगे BHU में, मतलब जैसे हर एक कैटेगरी के लिए बना हुआ है, ए ग्रुप, बी ग्रुप के लिए, सी ग्रुप के लिए। और बेसिकली ये जो गेस्ट हाउस होते हैं ये हर, अब ऐसा नहीं है गेस्ट हाउस है तो हर किसी को मिल जाएगा, रिकमेंड करना पड़ता है बेसिकली किसी BHU के ही एम्प्लॉई से, और उन्हीं के लिए होता भी है, और बाहर से जो अतिथि आते हैं उनके लिए होता है, मतलब एज अ गेस्ट लेक्चर लेने के लिए आप जैसे। अब ये जो चौराहा है, ठीक है, हम लोग एक चौराहे पर आ चुके हैं, ठीक है। अब ये चौराहा जो है एक आर्ट्स फैकल्टी जाता है, एक जाता है मधुबन, ठीक है, और एक जाता है आपका बेसिकली एक मधुबन जाता है, ठीक है, और एक देखो वहाँ पे है BPA, यानी जो BPA नहीं आपका, हाँ BPA का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो फैकल्टी है, देखो ये जाता है आर्ट्स फैकल्टी। मैं आर्ट्स फैकल्टी जाऊँगा लेकिन मैं आगे वाले चौराहे से जाऊँगा बेसिकली, क्योंकि मुझे दिखाना है भारत कला भवन। देखो ये भारत कला भवन है, वो ब्लू वाला जो पट्टी है भारत कला भवन पूरे। आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कला भवन कहाँ है, तो बनारस में देखो यहाँ पे स्थित है, ठीक है। बहुत बढ़िया म्यूज़ियम भारत कला भवन, मतलब एक म्यूज़ियम है जहाँ पे बहुत सारे एंशियंट टाइम के क्वाइंस हैं, स्टैचूज हैं, आर्ट्स हैं, कल्चरल थिंग्स मिलेंगे जाएंगे, तो वो आप लोग जरूर आकर घूमिएगा जब एडमिशन हो जाए तब। भारत कला भवन घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए। अब हम लोग पहुँच रहे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ जो लोग परफॉर्मिंग आर्ट में आना चाहते हैं, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी रिन्यूनेशन चल रहा है उसका, ठीक है, नव निर्माण चल रहा है। ये है इसका, लेकिन गेट जो है ना वो वहाँ से है, मतलब मधुबन के बगल से। मधुबन मतलब यहाँ का एक पार्क है, ठीक है, ओपन पार्क है, कोई भी जाके वहाँ घूम सकता है बेसिकली। फेमस कई चीज़ों के लिए आपको मिलेगा वीडियो, लेकिन पार्क तो पार्क ही होता है,
ठीक है। और अभी जो बस दिख रही है, हॉर्न बस की आ रही है, वो BHU की बस है, मतलब यहाँ पे बस भी चलती है। और ठीक है, मुझे लग रहा है मेरे पीछे ही आ रही है, अभी नहीं आ रही है। तो वो जो बस है फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगेगा। आप BHU में कहीं भी आपको चढ़ना है उतरना है तो बेसिकली आप बस पर चढ़ो और उतर जाओ। जैसे आपको मेन गेट से विश्वनाथ मंदिर जाना है, मेन गेट से अपने हॉस्टल जाना है, तो आप बैठो उतर जाओ, ठीक है। ये देखो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ये भी है। एक्चुअली हर एक फैकल्टी डिपार्टमेंट को लोन रिन्यूवेनेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उससे रिन्यूवेनेशन कर रहे हैं उसका। और ये एक मंदिर है, देखो मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो मेरे वर्ड्स पे आप मत जाइएगा। ये मंदिर है यहाँ पे एक, ठीक है, परमेश्वर महादेव का। और ये आपका BFA बैचलर ऑफ़ फाइन आर्ट, ध्यान दीजिएगा, बैचलर ऑफ़ फाइन आर्ट, ठीक है। बैचलर ऑफ़ फाइन आर्ट के बाद आएगा उसका लॉ फैकल्टी। लॉ फैकल्टी के बगल में आपका आएगा राइट साइड में एक, वो है आपका वेद वालों का, नहीं वेद वालों का इधर है कि इधर वाला, अच्छा मैं भी कंफर्म, SVDV, ठीक है, संस्कृत विद्या धर्म का बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रस शास्त्र। आप लोग को BHU में ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट मिलेंगे, रस शास्त्र, नाम सुने हैं कभी, रस शास्त्र। बेसिकली ये जो एरिया, जिस एरिया में घूम रहा हूँ ना, ये सब लगभग हमारे एंशियंट इंडिया से जुड़ा हुआ है, मतलब जैसे आर्ट एंड कल्चर बेसिकली, जैसे कि वैदिक के जो कॉलेज जो पढ़ाई होती है वो इधर होंगी, मतलब उनके उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट फैकल्टी जो हैं वो इधर ही हैं। अगर खुला होगा तो मैं सीधे यहाँ से आर्ट फैकल्टी चला जाऊँगा। ये देखो वेद की बिल्डिंग है, ठीक है, जिनको जिनको क्या करना है, जिनको शास्त्री करना है, जिनको ज्योतिष करना है, जिनको संस्कृत का साहित्य पढ़ना है, जिनको ग्रामर पढ़ना है यानी व्याकरण पढ़ना है, उनके लिए है, ठीक है। और इधर SVDV है, संस्कृत विद्याधर, ये दो मिल गए आपको, आयुर्वेद संघ का है, ठीक है, ये आयुर्वेद संघ का है, ये SVDV है, मतलब जिसमें आपको वेद की चीज़ें पढ़ेंगे, ये है देखो ये, और ये आपका आयुर्वेद संघ का है। अभी खुला, बगल से निकल सकते हैं, निकल तो जाएंगे, उधर से कैसे निकलेंगे, उधर भी निकलने के लिए है बेसिकली, ये शायद निकल जाएंगे। अच्छा और देख लेते हैं, एक्चुअली आज संडे है, अभी मुझे दिमाग में आया, संडे होने की वजह से ना हम लोग बेसिकली, देखो ये है हम लोग का SVDV। SVDV जो आप लोग एक बहुत पहले एक मुस्लिम टीचर का कंट्रावर्सी सुना होगा कि BHU में वेद पढ़ाने के लिए मुस्लिम टीचर को अपॉइंटमेंट दिया गया, तो अंत में उनको यहाँ वेद से हटा दिया गया, मतलब इस डिपार्टमेंट से हटा दिया गया, इस फैकल्टी से, और इस फैकल्टी से बगल वाली फैकल्टी यानी आर्ट्स फैकल्टी में एज ए संस्कृत अध्यापक उनको नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो वो वाला काफ़ी चर्चे में था। और ये बिल्डिंग इस तरीके से है, BHU में लगभग जो भी बिल्डिंग के डिज़ाइंस हैं, जो आर्क है, जो उसका बेसिक एक स्ट्रक्चर है ना, वो एक ही जैसा दिखता है, वो लगभग मंदिर जैसा बनाया गया है, क्योंकि ये था ही हिंदू कॉलेज। और लेकिन फिर भी आप अगर काशी से लगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, मतलब आप जब उसका होम पेज पढ़ते हो BHU का ऑनलाइन पोर्टल जाके, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सबके लिए है, लेकिन फिर भी स्पेशलाइजेशन एज अ लुक में जो देखा जाए वो हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे स्टैचू है, जनरली इस तरीके के स्टैचू आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे हर एक डिपार्टमेंट फैकल्टी के सामने, जिनका उसमें जब बड़ा योगदान है उनकी फ़ोटो अलग बना दी जाती है, उनकी मूर्ति बना दी जाती है, ठीक है। आम बहुत फेमस है BHU का इस समय, और मुझे लग रहा है कि जैसे जनरली बड़े बड़े आम के जो पौधे होते हैं वो तो बिक जाते हैं, ठीक है, एज अ टेंडर, लेकिन जो छोटे छोटे जो चूसने वाले आम होते हैं वो तो भाई बिकेगा नहीं। तो बेसिकली वो जो है वो आराम से बच्चे दिन में कई बार आके अपना पेड़ के नीचे से उठा के चूसते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब हम लोग सामने, पता है कि हम लोग अब देखो आर्ट्स फैकल्टी, ये हम लोग आर्ट्स फैकल्टी जाने वाले हैं, बस ये गेट बंद है, बगल से हम लोग निकल जाएंगे और उसके बाद आर्ट्स फैकल्टी। आर्ट्स फैकल्टी बहुत लोग का ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के इस फैकल्टी में चाह होती है, मतलब आर्ट्स फैकल्टी में। तो ये आर्ट्स फैकल्टी है जो कि अपने आप में बहुत फेमस है और कई सारे बड़े प्रोडक्ट्स हमारे देश में दिए हैं इस आर्ट्स फैकल्टी ने। देखो बेसिकली हम लोग आ गए ये इस रूट पे, ये रूट और ये आर्ट्स फैकल्टी का गेट है। आर्ट्स फैकल्टी में घुसने के लिए लगभग आपको मिलेंगे तीन से चार गेट मिलेंगे, चार के पाँच छः मिलेंगे, लेकिन ये मतलब कि सेकंड मुख्य द्वार है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट साइड जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट्स फैकल्टी कार्यालय, देखो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है ना आर्ट्स फैकल्टी कार्यालय, चूँकि ये ऑफिस है ऊपर बेसिकली, ठीक है। और हम लोग जो BFA की बात कर रहे थे, BFA का एंडिंग पॉइंट ये है, और जैसे हिंदी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, अब सब इसी पे मिलेगा आपको, ठीक है। इस रूट पे लगभग आपको ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट फैकल्टी मिलेगा, सब कुछ, मतलब फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सोशोलॉजी, MSW,
ये सब कुछ आपको इस रूट पे मिलने वाला है। मतलब आगे जाने के बाद लेफ्ट जैसे ही टर्न किया मैं, ऑलमोस्ट आपको सभी फैकल्टी डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखो आपका है, ये जो मैं बताया था ना आपको BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, तो वो उसका पीछे वाला रास्ता है। और ये देखो आर्ट्स फैकल्टी का बेसिकली एक थर्ड गेट है, देखो ये रास्ता, और जो उस साइड गेट दिख रहा है वो उस आर्ट्स फैकल्टी का मुख्य द्वार है। एक पीपल का पेड़ होगा, वहाँ से एंट्री लोगे, ऑडिटोरियम वाला गेट जो है वो मुख्य द्वार है, और बहुत ही स्पेशल प्लेस है। बेसिकली होली खेलने के लिए चूज करते हैं लोग, और मतलब भाई जाहिर बात है एंट्री गेट है तो वहाँ पे बहुत जमावड़ा होता है, लोग इकट्ठा होते हैं क्लास लेने से पहले, हेलो हाय हर हर महादेव सब कुछ वहीं होता है, मतलब बच्चों का मिलना से लेकर सब कुछ। ये देखो इंग्लिश डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है। और इस गेट से घुसने के बाद आपको कम से कम 3-4 डिपार्टमेंट मिलेगा, मतलब अंदर आपको मिल जाएगा, अंदर से ही मिल जाएगा साइकोलॉजी, ठीक है, और ऐसे कुछ और डिपार्टमेंट जो मिल जाएंगे। अब हम लोग पहुँच गए हैं फिलोसफी डिपार्टमेंट, बोला ना कि अब बहुत नज़दीक में डिपार्टमेंट मिलेगा, मतलब ज़्यादा दूर दूर नहीं, नज़दीक, क्योंकि अब डिपार्टमेंट है छोटा रहेगा बेसिकली। देखो ये देखो तो आपका फिलोसफी डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये फिलोसफी डिपार्टमेंट है। अब फिलोसफी डिपार्टमेंट के बाद क्या मिलेगा मुझे, AISC डिपार्टमेंट। आप कमेंट करके बताते रहो मुझे बेसिकली कि कौन किस डिपार्टमेंट में आना चाह रहा है, ठीक है, ओके। अब मैं निकल जाऊँगा सीधे हॉस्टल, ठीक है, बेसिकली आपको हॉस्टल भी दिखाना है, और वो हॉस्टल से फिर मैं चला जाऊँगा अपने हॉस्टल। फिर बेसिकली आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, तो प्लीज़ एटलीस्ट 10 मिनट्स आप मुझे और दे दो, 10 मिनट, जिससे कि मैं आपको और भी चीज़ घुमा दूँ। देखो ठीक है, ये आपका है भारत कला भवन का पीछे वाला रास्ता, ठीक है, भारत कला भवन का पीछे वाला रास्ता, और ये है आपका AISC डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं, आर्कियोलॉजी एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट यही है। और उसके बाद अब जो चौराहा आने वाला है ना, बहुत ही फेमस चौराहा आने वाला है, बहुत फेमस, जहाँ से एक आपका कॉर्नर पे हिंदी डिपार्टमेंट पड़ेगा, फिर उसके बाद एक आपका भोजपुरी डिपार्टमेंट पड़ेगा, फिर एक हम लोग जो भारत कला भवन के सामने का डिपार्टमेंट छोड़ दिए हैं वो है, ध्यान देना, मैनेजमेंट का है। बेसिकली मैनेजमेंट, जैसे आपको MBA करना है तो BHU भी MBA कराती है, और हमारे यहाँ CAT के थ्रू भी MBA के लिए प्लेस रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोग के यहाँ IMS है, हम लोग के यहाँ IIT है, तो मैनेजमेंट भी हमारे यहाँ है, ठीक है। ये देखो वो चौराहा है, बेसिकली यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे जब BHU पहले ऑफलाइन काउंसलिंग कराता था तो हम लोग यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाते थे, हम लोग यहाँ पे चेयर लगा के बच्चों के हेल्प किया करते थे कि आपको आगे जाना है पीछे जाना है, इधर से रास्ता है इस डिपार्टमेंट का, इस फैकल्टी का, और आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जाते थे, ये सब हम लोग बताते, ठीक है। ये पूरा रूट जो कि अपने आप में बहुत फेमस रूट है। अब मेरे पैरेलल पता है कौन सा डिपार्टमेंट चल रहा है, हिंदी डिपार्टमेंट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिपार्टमेंट इन काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और वैसे मैं आज आपको बस पॉजिटिविटी बता रहा हूँ BHU का, नेगेटिविटी BHU के अंदर तो नहीं है, लेकिन लोग यहाँ के कुछ BHU के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। ये है आपका हिंदी डिपार्टमेंट। हिंदी डिपार्टमेंट के बाद अब तुरंत एक डिपार्टमेंट आ चुका है, और वो है, आप लोग ने सोशल का नाम सुना है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना हम सोशल में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब सोशल आर्ट्स फैकल्टी सोशल, तो ये है, ठीक है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। देखो ये है बहुत छोटा सा आर्ट्स फैकल्टी, जैसे आपने बहुत बड़ा देखा ना, चार गेट लगे हुए, उनका बस एक ही गेट है, बस इसके अंदर जाओगे सोशल की पढ़ाई हो जाएगी, इसी के अंदर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मिल जाएगा, MSW इसी के अंदर मिल जाएगा, बस उधर से रास्ता रहेगा, ठीक है, वहाँ से रास्ता रहेगा। इसमें ऊपर बहुत सारा है, जैसे आपने अरे इसमें बहुत सारा है सोशल के अंदर, जो जो सब्जेक्ट आते हैं ना लगभग साइकोलॉजी वगैरह सब इसमें मिल जाएगा बेसिकली। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं आर्ट्स फैकल्टी का मेन चौराहा पे, बहुत ही ज़्यादा फेमस, मतलब आप समझ लो कि होता है ना आर्ट्स BHU, नहीं वो तो गलत नारा है, मुझे याद आ रहा है, बेसिकली हम लोग आर्ट्स फैकल्टी को बोला जाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय मदर फैकल्टी, ठीक है, मदर फैकल्टी जो है, यानी कि सबसे पहली फैकल्टी BHU जो बनाई गई थी वो आर्ट्स फैकल्टी ही बनाई गई थी, ठीक है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो बेसिकली प्रोफेसर जो हैं वो टहलने निकले हुए हैं, ये सब BHU के प्रोफेसर हैं जो कि मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और आज संडे है तो आज हम लोग को कैंपस बेसिकली जो भी लोग मिलेंगे ना वो लोकल लोग मिलेंगे, मतलब बगल वाले लोग, BHU बच्चे जो हैं वो सिर्फ सो रहे होंगे, अभी सुबह का टाइम है सो रहे होंगे। ये देखो यहाँ पे एक कैंटीन है, ठीक है, अभी मैं कैंटीन इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया कैंटीन है। देखो ये वो बगल में दिख रहा हूँ वहाँ पे एक वो जो बिल्डिंग दिख रहा है वो कैंटीन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैत्री, मतलब कि आपको 30-40 रुपये में ठीक ठाक नाश्ता मिल जाता है, चाय वाय मिल जाएगा, पनीहा मिलेगा थोड़ा सा, नाश्ता ठीक ठाक मिल जाता है 5-6 पूड़ी के साथ दाल चावल, शायद 30-40 रुपये का आता है, मैं तो शायद UG में खाया उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला, ठीक है। अब मैं आपको एक चौराहा इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि बीच में खड़ा होकर कराऊंगा, ठीक है। अब देखो ये आर्ट फैकल्टी है, अब हम लोग आर्ट फैकल्टी के मेन रास्ते पे हैं, जहाँ से आर्ट फैकल्टी का रास्ता जाता है ये है, ठीक है, देखो लिखा भी है फैकल्टी ऑफ
आर्ट्स, पता नहीं वहाँ पीछे क्यों लिख दिया उतना छुपा के पेड़ के पीछे, वो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ठीक है। और ये उसका चौराहा है और ये रास्ता जाता है हॉस्टल, बेसिकली फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। मैं आपको कॉमर्स तक घुमा ही देता हूँ, अच्छा ठीक है, कॉमर्स तो घुमा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमर्स वाले भी हो गए ना, कमेंट करके बताओ तो मैं कॉमर्स तक घुमा देता हूँ, ठीक है। ये देखो आर्ट्स फैकल्टी का चौराहा था, बता दिया, वो हॉस्टल जाता है फिर से। देखो कहने का मतलब ये ना कि हर फैकल्टी से एक रास्ता लिंक होता है जो कि जाता है कहाँ पे, हॉस्टल जाता है, ठीक है। अब देखो हम लोग के पास आता है कौन सा आने वाला है, अब साइंस आने वाला है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ना कि साइंस फैकल्टी, देखो पहले हम लोगों ने संगीत होंगे से रिलेटेड देखा, फिर हम लोग आर्ट्स से देखा, अब हम लोग साइंस रिलेटेड फैकल्टी देखेंगे। अब यहाँ से आपको आर्ट्स का सब कुछ ख़त्म, अब आर्ट्स आर्ट्स से रिश्ता टूट गया, अब हम लोग जितनी भी फैकल्टी डिपार्टमेंट देखने वाले हैं वो सब हम लोग साइंस, फिर एग्रीकल्चर, फिर आईआईटी आ जाएगा। मतलब लगभग आपको पूरे डिपार्टमेंट लगाने के बाद हम लोग का इंट्रोडक्शन होता है किससे, आईआईटी से। आईएमएस स्टार्टिंग गेट पे था और आईआईटी सबसे लास्ट में, आईआईटी के बाद ख़त्म हो जाएगा बीएचयू, मतलब फिर आपको कोई फैकल्टी डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं साइंस, ठीक है। बेसिकली मुझे लग रहा है बीएचयू को पूरा घूमने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, पैदल आराम से घूम सकते हो, बेसिकली बच्चे यहाँ पैदल ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। और टाइम टाइम चाहिए आलमोस्ट डेढ़ घंटा, डेढ़ घंटे में आलमोस्ट आप बीएचयू बहुत अच्छे से घूम सकते हो, ठीक है। ये हम लोग अब पहुँचने वाले हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन साइंस फैकल्टी में एडमिशन लेने वाला है, ठीक है। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देखो ये है, बहुत बढ़िया, अभी नया नया बन रहा है, अभी पूरा बिल्डिंग फिर से बन रहा है पूरा अंदर, ये है। इसमें जैसे आपका जो बीएससी एडमिशन लेंगे ना, बीएससी बायो एंड मैथ्स, वो इसमें जाएंगे, लेकिन इनका डिपार्टमेंट अलग अलग जाएगा। जैसे क्लासेस करनी होगी तो क्लासेस इसके सामने एक बिल्डिंग है, जैसे अब जैसे ज्योग्राफी जो है वो साइंस में भी आता है तो इधर है, आर्ट्स के बच्चे भी जाके पढ़ेंगे उसमें, साइंस बच्चे भी जाके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर केमिस्ट्री मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, फिर बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, सब ये सब जो है केमिस्ट्री पूरा, मैं उधर से मैं आपको दिखा दूंगा रास्ता बेसिकली, ठीक है। कॉमर्स के सामने वो सब है, बस मेरे सामने ये आने वाला है। तो फाइनली अब मुझे एक ऑनेस्ट रिव्यू दो कि बीएचयू कौन कौन आना चाहता है किसका, और एक मुझे और कमेंट जानना है बेसिकली कि बीएचयू के बारे में सबसे पहले आपको पता कब चला, मतलब कब आपको लगा कि बीएचयू जो है वो एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, जो कि वो बहुत अच्छी है। क्योंकि जनरली हम लोग जब हम लोग ट्वेल्थ में होते हैं उससे पीछे होते हैं तो आईआईटी और नीट के नीचे सोचते नहीं, मेरा ऐसा ही था, मैं बीएचयू को जानता था चूँकि मैं यहीं कराने वाला हूं। तो ठीक है, देखो ये इसमें आपको ना इस गेट के अंदर गए तो आपको लगभग बीएचयू के साइंस के जितने भी डिपार्टमेंट फैकल्टी हैं, मतलब डिपार्टमेंट बेसिकली जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब आपको इस अंदर मिलने वाला है, ठीक है। देखो लिखा भी है ना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, लिखा भी है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ओके, मतलब साइंस के सब कुछ इसमें मिलने वाला है, ओके। अब हम लोग देखो पहुँचने वाले हैं, ये है कॉमर्स, जो लोग भी बी कॉम, एम कॉम, इसी में MBA भी चलता है, MBA विंग्स भी बना हुआ है, ठीक है, मैनेजमेंट का। मैं बोला ना कि BHU में MBA कई लोग कराते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वाले कराते हैं और कॉमर्स वाले कराते हैं, मतलब ये कॉमर्स फैकल्टी भी कराती है और आपका कैट वाले भी कराते हैं, ठीक है, कैट के थ्रू भी MBA होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका बेसिकली क्या है, कॉमर्स फैकल्टी है, ठीक है, कॉमर्स फैकल्टी है जिसमें आपको BCom, MCom और बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है। मतलब अभी तक मुझे अगर रेटिंग करनी हो तो मैं हमेशा देखो दो तीन फैकल्टी को बहुत बढ़िया रेटिंग करता हूँ, कॉमर्स को, ठीक है, लॉ को, लॉ फैकल्टी को जो कि वहाँ पे था कॉर्नर पे, और एग्रीकल्चर को, ये तीन मैं बहुत बढ़िया BHU के अंदर ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई तीनों में बहुत बढ़िया है, प्लेसमेंट भी है इन तीनों में, इन तीनों में बेसिकली प्लेसमेंट है। अगर आप अपना खुद का एफोर्ड लगाते हो तो आपको बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाएगा, 7-8-9-10-15-12 लाख तक मिल जाएगा, और कैट के थ्रू MBA में गए तो कम से कम 25-30 लाख का पैकेज मिलेगा, ठीक है। मतलब प्लेसमेंट के लिए बेसिकली आपको खुद कॉन्शियस होना है कि यू वांट प्लेसमेंट, अदरवाइज मतलब कि आपको कुछ और आगे करना है, क्योंकि प्लेसमेंट उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं हायर स्टडीज में जाना है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, प्लेसमेंट स्किप कर जाते हैं, ये भी बात है, उन्हें लगता है कि जब डिग्री पूरा लेके प्लेसमेंट में जाते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट अगर, क्योंकि देखो पूरा डिग्री लेके जाते हैं तो प्लेसमेंट प्रमोशन मिलता है, प्लेसमेंट अगर आप छोटे लेवल पे ले लेते हो, छोटे कोर्स पे ले लेते हो डिग्री पे, तो वो ब्रेक हो जाता है, समझ रहे हो। देखो आम लगातार आंखों के सामने गिर रहा है, आंखों के सामने आम गिरते नहीं देखा होगा, तो यहाँ पे आंखों के सामने आम गिर रहा है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ से टर्न ले लेंगे, ठीक है, और हम लोग हॉस्टल चले जाएंगे। अच्छा अब मैं साइंस का दिखाता हूँ बेसिकली। देखो अभी तक आपने क्या क्या देखा, आर्ट्स का देखा, साइंस का देखा, कॉमर्स का देखा,
ठीक है, लॉ का कॉर्नर पे था वो देख लिया। बस आपको मैं एग्रीकल्चर नहीं दिखा पाऊंगा, बस ये बता दूंगा कि एग्रीकल्चर सामने है, और मेरा मैं अपना डिपार्टमेंट भी नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट जाऊंगा तो मैं खुद पूरा दिखा दूंगा। बेसिकली रुक जाओ, मैं टर्न हो जाता हूँ अब। ओके ओके, बड़ा दिन बाद। अब देखो BHU में जैसे मैंने आपको बताया कि जी बहुत सारे ऐसे फैकल्टी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, जैसे अब उस रूट के आगे अगर मैं जाता जैसे कि VT के पास, तो वहाँ से लाइब्रेरी आपका स्टार्ट हो जाता। मैं लाइब्रेरी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो चौराहा है, इस चौराहा से जो पीछे रास्ता जा रहा है वो साइंस जा रहा है, और उधर से हम लोग आए हैं और वो जा रहा है VT, जो कि लाइब्रेरी जाएगा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाएगा, ठीक है। ये आपका है सेमिनार कम्प्लेक्स। बहुत सारे बच्चे सेमिनार कम्प्लेक्स का नाम सुने होंगे, उनके एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है। बेसिकली जब BHU खुद पेपर कराता था तो सेमिनार कम्प्लेक्स का नाम अक्सर देता था, नियर सेमिनार कम्प्लेक्स, ठीक है। सेमिनार करने काम आता है, ये साइंस फैकल्टी का है, ठीक है, ध्यान, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है। और अब ओपन जिम एक और दिखा आपको दिखने वाला है बेसिकली। और BHU के अंदर ना बहुत सारे कैंटीन होते हैं, कैंटीन लाइक, मतलब अगर मैं VT जाता, तो वहाँ पर चाय मिल जाएगा आपको, समोसा मिल जाएगा आपको। BHU में अगर सबसे बढ़िया चीज़ अगर मिलता है कम पैसे में, पता है क्या, वो है कोल्ड कॉफ़ी। आई थिंक पहले 30 का था, अब 40 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का होगा, मुझे बहुत दिन हो गए पिए। बेसिकली मैं BHU में ऐसे पब्लिकली बड़े